नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंतर्गत UPSC अर्थात संघ लोक सेवा आयोग ने निकाली है 153 वेरियस पदों पर वैकेंसी, जिसके अंतर्गत स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट प्रोफेसर, एग्जामिनर एंड सीनियर लेक्चरर की ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों टोटल कितने हैं पद, क्या होगी आवेदन की अंतिम तिथि, क्या है आयु सीमा तथा कितनी होगी आवेदन की फीस, जानेंगे सभी बातें इसी वीडियो में। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों यदि आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, इसके लिए आपको टाइप करना होगा अपने गूगल के सर्च बार में www.sarkarireultwala.com और उसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का यह पेज प्रदर्शित होगा। दोस्तों यहाँ हमारी वेबसाइट पर हम देते हैं आपको सभी प्रकार की लॉ से संबंधित सरकारी तथा गैर सरकारी सभी प्रकार की वेरियस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, साथ ही विभिन्न प्रकार की मॉक टेस्ट तथा विभिन्न एजुकेशन जानकारी भी हम आपको यहां उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने गूगल के सर्च बार में टाइप करें www.sarkarireultwala.com। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों यूपीएससी ने निकाली है 153 वेरियस पदों पर यह वैकेंसी, जिसके अंतर्गत स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट प्रोफेसर, एग्जामिनर एंड सीनियर लेक्चरर की यह वैकेंसी है। टोटल 12 वेरियस पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एग्जामिनर की पोस्ट के लिए 65 पद हैं। इन 65 एग्जामिनर के पदों के लिए आपके पास LLB की डिग्री होना अनिवार्य होगा, डिग्री इन लॉ अर्थात LLB पास आउट होना अनिवार्य है। साथ ही अदर स्पेशलिस्ट ग्रेड की यह वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत कई स्पेशलिस्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी सहित अन्य कई वेरियस पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंतर्गत आपके पास MBBS, डिप्लोमा, PG संबंधित विषय से होना अनिवार्य होगा। साथ ही स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड पैथोलॉजी सहित अन्य कई वैकेंसी है, आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन करने से पहले एक बार आप संपूर्ण नोटिफिकेशन जरूर रीड करें, यदि आप निर्धारित योग्यता और संबंधित सभी योग्यताएं रखते हैं तो आप इन पदों के लिए जरूर आवेदन करें। अप्लाई का माध्यम ऑनलाइन रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू बेस्ड ये सिलेक्शन है, जिसके अंतर्गत आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, केवल आपका इंटरव्यू आयोजित करवाया जाएगा जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 28/11/2019 तक पोस्ट संख्या 1 के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य होगा, अर्थात यदि आप एग्जामिनर के पद के लिए आवेदन करते हैं, यदि आप LLB पास आउट हैं तो इन 65 पदों के लिए, एग्जामिनर के पदों के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपकी आयु सीमा 30 वर्ष होना अनिवार्य होगा, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही SC ST OBC कैंडिडेट को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही बात करें पोस्ट सीरियल क्रमांक 2 से लेकर 9 तक तो 40 वर्ष, पोस्ट क्रमांक 11 के लिए 45 वर्ष, पोस्ट क्रमांक 10 के लिए 50 वर्ष और पोस्ट क्रमांक 12 के लिए 53 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है तथा अदर कैटेगरी अर्थात जनरल एंड OBC के लिए ₹25 आवेदन शुल्क रखा गया है। साथ ही बात करें इंपोर्टेंट डेट की तो लास्ट डेट जो है आवेदन करने की वह 28 नवंबर 2019 रखी गई है। साथ ही हार्ड कॉपी सबमिशन कराने की जो डेट है वह 29/11/2019 रखी गई है।
आपको किस प्रकार आवेदन करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, यहाँ हमने आपको बताया है। साथ ही अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर हमने लिंक दिया है, आप यहाँ से सीधे इन पद के आवेदन कर सकते हैं। यदि आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sarkaririzultwala.com पर जाकर इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट सहित अन्य जानकारियां भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं इसका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों यूपीएससी ने विज्ञापन क्रमांक 15/2019 के माध्यम से यह वैकेंसी निकाली है, जिसके अंतर्गत टोटल 65 पदों पर एग्जामिनर की यह वैकेंसी है। विभिन्न श्रेणीवार इनका विभाजन भी किया गया है। आयु सीमा यहां 30 वर्ष बताई गई है। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत बताया गया है कि आपके पास डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य होगा, साथ ही आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कोर्ट केस एंड अदर लीगल मैटर्स। साथ ही अदर वैकेंसी भी यहां बताई गई है। यदि आप निर्धारित सभी योग्यताएं रखते हैं तो आप इन पद के लिए जरूर आवेदन करें। यदि आप MBBS हैं, MD या MS हैं तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो 28/11/2019 बताई गई है। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अर्थात प्रिंट लेने का जो डेट है वह 29/11/2019 बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस और आयु सीमा यहां बताई गई है। नोट 1 में बताया गया है कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वह इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यदि आप एप्लीकेंट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग का जो तरीके अपनाए जाएंगे वह भी यहाँ बताए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि आपको इंटरव्यू में कितने परसेंट मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। एप्लीकेशन फीस यहां बताई गई है कि जनरल तथा ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹25 एप्लीकेशन फीस होगी। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी द्वारा निकाली गई 153 पदों की यह वैकेंसी, जिसके अंतर्गत यदि आप LLB पास आउट हैं तो आप एग्जामिनर के इन 65 पदों के लिए जरूर आवेदन करें। आप अप्लाई किस प्रकार करना है, अप्लाई करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.sarkaririzultwala.com पर जाकर यहां दिए अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करके आप यूपीएससी की इस वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां ऑरा अर्थात ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल आपके सामने ये दिखाई देगा। यहाँ आपको ये PDF भी उपलब्ध है विज्ञापन की, जहाँ नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ बताए गए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कंपनी प्रोसिक्यूटर सहित प्रोसिक्यूटर की यह 2 वैकेंसियों के लिए हमने बताया था, उनके लिए भी यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। 14/11/2019 से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप LLB पास आउट हैं, निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप इन पद के लिए जरूर आवेदन करें।
तो बात करें, यदि आप मान लीजिए एग्जामिनर के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहां अप्लाई नाउ पर क्लिक करें, देन नेक्स्ट पर क्लिक करके यहां बताया गया है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। यदि सिलेक्शन के अंतर्गत मुख्यतः साक्षात्कार के माध्यम से ही सिलेक्शन किया जाएगा। यदि सिलेक्शन में साक्षात्कार में आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो छटनी का क्या माध्यम अपनाया जाएगा, वह भी यहाँ बताया गया है। देन आप यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके ये जो चेकबॉक्स यहाँ बताया गया है आप इस पर क्लिक करके प्रोसीड करें। यदि आप पहले से कभी आवेदन कर चुके हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर तो आपको यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, साथ ही आपके पासवर्ड भी आपको पता होगा, तो आप यहाँ डालकर इसे फिल करके कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें। और यदि आपने कभी भी पहले यूपीएससी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और यहाँ बताई गई सभी संबंधित फील्ड्स को फिल करते हुए आप ये संपूर्ण आवेदन कर सकते हैं। आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम सहित डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर की यहाँ पर एंट्री करते हुए ईमेल आईडी की पुनरावृत्ति और अपना इच्छित पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन उस पासवर्ड की पुनरावृत्ति करें और कैप्चा कोड यहाँ डालें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी और आपको अपना पासवर्ड प्राप्त होगा। इसके माध्यम से आप यूपीएससी की इस वेबसाइट पर इसे फिल करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी द्वारा निकाली गई एग्जामिनर तथा स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड की वैकेंसी, जिसका विज्ञापन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.sarkarirezultwala से प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी वैकेंसी के लिए भी आप यहां पर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तथा यदि आप विभिन्न प्रकार की मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तब भी आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।